क्वेश्चन नंबर 4 आपके दे रखा है, इसको थोड़ा सा पहले बेसिक सीख लेना, मैं जो पहले बता रहा हूँ बेसिक, इसको थोड़ा ध्यान रखना है, उसके बाद क्वेश्चन को करना है। तो बेसिक बताओ, थोड़ा ध्यान रखना भाई, इसमें क्या लिखा हुआ है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है आपके, वो होता है ए इजिकल टू बी क्यू प्लस आर, ये वाला है यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसमें लिखा हुआ है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव कोई भी नंबर, तो मैं यहां ले रहा हूं कोई भी आपके पॉजिटिव इंटीजर ले रहा हूं, पहले थोड़ा ध्यान से देखना भाई, मन से कोई भी नंबर ले रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिखा हुआ है, ये है पॉजिटिव इंटीजर हो गया। अब ये कह रहा है कि अगर इसका हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हम क्या करते हैं इसका स्क्वायर कर देते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, फिर 16, फिर होता है 25, फिर आता है आपके कितना 36, 49 एंड 64। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, और फिर यहाँ लिखा हुआ 3m लिखा हुआ है, मतलब 3 का डिवाइड दिया, और रिमाइंडर क्या आ रहा है आपके, 0 आ रहा है। देखो 3m का मतलब हो गया पीछे 0 है, और एक होता है आपके 3m+1 आ रहा है। वैसे 3 का डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर है ना, वो क्या आता है, 0, 1 एंड 2 आता है। जैसे आप 3 का डिवाइड यहाँ करोगे तो 1 बचेगा, 3 का डिवाइड यहाँ करोगे तो 2 बचेगा, यहाँ पर करोगे तो 0 बचेगा रिमाइंडर। लेकिन ये कह रहा है कि स्क्वायर करने के बाद अगर मैं 3 का डिवाइड करूँ तो जो रिमाइंडर है या तो 0 आएगा या 1 आएगा, आप चौथ चेक कर लो। अगर मैं इसमें डिवाइड करता हूँ, मैं सिंपल सा देखो, मैं यहाँ पर लेते हैं नंबर, अगर इसमें मैं 3 का डिवाइड करता हूँ तो जाता है 0 टाइम, पीछे बचता है 1। अगर मैं 4 में 3 का डिवाइड करता हूँ तो क्वोशेंट 1 आएगा और रिमाइंडर भी 1 आएगा। अगर मैं 3 का डिवाइड यहाँ देता हूँ तो 3 टाइम जाएगा, इधर बच जाएगा आपके 0, इधर आपके 3 का डिवाइड करेंगे तो जाएगा 5 टाइम, पीछे बचेगा आपके 1, इधर मैं 3 का डिवाइड करूंगा तो 8 बचेगा, और इधर बचेगा कितना आपके 1, इधर 3 का डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम जाएगा, पीछे बचेगा 0। तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, या तो आ रहा है 1 या आ रहा है 0। तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी है कि पीछे क्या आएगा, या तो 0 आएगा या 1 आएगा, ये चीज़ हमें प्रूव करके दिखानी है बिना नंबरों के, ये नंबर नहीं लेने, बिना नंबर के हमें प्रूव करना है। तो पहले हमें ये नंबर लेने हैं जिसमें रिमाइंडर 0 भी बचता है, 1 भी बचता है, 2 भी बचता है, फिर हमें 3 का डिवाइड करना है स्क्वायर करने के बाद। डिवाइड किसका करना है आपको, 3 का डिवाइड करना है, तो इसका मतलब जो आपके ए इंटू बी प्लस आर आता है ना, ये क्या होता है, बी इधर क्यू इधर, जो है ना ये वाला फॉर्मूला, इसका मतलब बी क्या होगा आपके, 3 होगा, स्क्वायर करने के बाद आपको ऐसे करना है। तो हम यहाँ लेते हैं और यही चीज़ हम ट्राई करते हैं, ये हमने नंबर पे तो निकाल लिया बट इसको प्रूव करके दिखाना है आपको। तो सिंपल सा है, सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं कि b का वैल्यू क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम 3 लिखते हैं, तो r कितना आएगा, 0, 1 एंड 2, बिना स्क्वायर वाले नंबरों में ये आता है, स्क्वायर में कितना आता है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर फर्स्ट होगा, अगर कोई नंबर मैंने लिया और उसमें मैंने 3 का डिवाइड किया तो क्या बच सकता है, 0 बच सकता है। सेकंड, अगर मैं कोई नंबर लेता हूँ और उसमें 3 का डिवाइड करता हूँ तो 0 की जगह क्या बच सकता है, 1 भी बच सकता है। या फिर मैं यहाँ पर लेता हूँ थर्ड नंबर, कि मैंने कोई ऐसा नंबर लिया जिसमें 3 का डिवाइड करने पर क्या बचता है, 2 बचता है। सारे नंबर हो गए देख लेना आप, इसमें सारे नंबर आते हैं ये वाले, ऐसे ये सारे नंबर आते हैं, इसके अंदर कौन से नंबर आते हैं, 4, 7 वाले नंबर आते हैं। तो मैंने लगभग सारे नंबर इसमें ले लिए, 1 भी आता है इसके अंदर, तो ये सारे नंबर ले लिए जिसमें रिमाइंडर 0 बचता है, रिमाइंडर 1 बच रहा है, रिमाइंडर 2 बच रहा है। लेकिन ये रिमाइंडर 0, 1, 2 कब है, जब स्क्वायर नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बोल रहा है अगर इसका स्क्वायर कर दें, करो स्क्वायर। तो हम यहाँ करते हैं बोथ साइड स्क्वायर, तो क्या होगा, ए का हो जाएगा आपके, यहाँ पर कर देते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ, ए का हो जाएगा ए स्क्वायर, और इधर हो जाएगा आपके 3q का आ जाएगा होल स्क्वायर। ऐसे सभी नंबर जिसमें 3 का डिवाइड जाता है तो 0 बचता है,
स्क्वायर करने का पर क्या बचेगा आपके, तो यहाँ पर देखो हम निकाल लेते हैं, तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर और थ्री का होता है आपके नाइन और क्यू का हो जाएगा क्यू स्क्वायर। हमें थ्री का डिवाइड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, थ्री का कॉमन लेना है और थ्री का डिवाइड यहाँ जाएगा आपके थ्री टाइम क्यू स्क्वायर। पहले भी मैंने क्वेश्चन करवाया उसमें बताया हुआ है जो ब्रैकेट के अंदर उसको क्या मानना है, एम मानना है। तो ए स्क्वायर का वैल्यू आएगा आपके थ्री का थ्री और हम क्या करेंगे यहाँ पर थ्री क्यू स्क्वायर को हम क्या मान लेंगे, हम एम, एम मतलब कोई भी एक कोशेंट मान लेंगे, मतलब डिवाइड इतनी बार गया ऐसा ही मान लो मर्जी है जो। तो कितना हो जाएगा भाई आपके एम मान लो हो गया। देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर कोई नंबर है जिसमें थ्री का डिवाइड पूरा पूरा जा रहा है नो रिमाइंडर, तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं और फिर डिवाइड करूं तो भी डिवाइड क्या आएगा, पूरा पूरा आएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कोई नंबर है जिसमें हम डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर नहीं आता है तो स्क्वायर करने पर भी रिमाइंडर नहीं आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा आपके जीरो आएगा, वो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। अब लेते हैं हम यहाँ पर ऐसे सभी नंबर जिसमें थ्री का डिवाइड करने पर वन बच रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ लेते हैं बोथ साइड स्क्वायर। करो बोथ साइड स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर कर देंगे और इधर भी स्क्वायर कर देंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पर लगाएंगे आइडेंटिटी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ये फर्स्ट तो हमने कर लिया, अब सेकंड ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल सा है ए का ए स्क्वायर ही रहेगा, इधर लगेगी ये आइडेंटिटी पहले नंबर का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या प्लस दूसरी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इजिकल टू आ जाएगा नाइन क्यू स्क्वायर प्लस टू थ्री जा सिक्स क्यू प्लस वन। अब पीछे वन लेके आना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो हमने कॉमन लेना है थ्री और ये हो जाएगा थ्री का डिवाइड कर दो तो ये जाएगा आपके थ्री टाइम, थ्री का डिवाइड यहाँ देंगे तो ये आएगा आपके टू टाइम। केवल थ्री ही कॉमन लेना है, क्यों आपको लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें वैसे भी वहाँ पर एम बनाना है और जो ब्रैकेट के अंदर है, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको हमें क्या मान लेना है, एम मान लेना है। तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके थ्री का थ्री, इसको हमने क्या मान लिया है, एम मान लिया है प्लस वन, ऐसे आ गया होगा आपको समझ में ये वाली चीजें। अब यहां पर देखो, अब ये नंबर भी आपको ऐसे ऐसे नंबर लेने हैं आपको, मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। अब ऐसे सभी नंबर जिसमें थ्री का डिवाइड करने पर टू रिमाइंडर आता है, अब वो नंबर लेंगे हम, तो हमें क्या करना, सेम बोथ साइड स्क्वायर, इधर आता है आपके ए स्क्वायर, इधर आता है आपके थ्री क्यू प्लस टू का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी आपको यही लगानी है सेम। तो सिंपल सा है, तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर फर्स्ट नंबर का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर प्लस सेकेंड नंबर का आ जाएगा होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर आपका है ही है। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, थ्री का स्क्वायर कितना होता है अभी नाइन, टू टू जा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व क्यू प्लस टू टू जा फोर। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, इस फोर के टुकड़े करेंगे, क्योंकि थ्री का डिवाइड करें ना तो रिमाइंडर आपके फोर तो आएगा नहीं, तो इसके टुकड़े करेंगे हम। टुकड़े करते हैं हम यहाँ पर, ऐसे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर नाइन क्यू स्क्वायर प्लस ट्वेल्व क्यू, और फोर के टुकड़े करेंगे तो कितना हो जाएगा, थ्री प्लस वन, ऐसे करना है, पीछे वन लाना है हमें। तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, अब इन तीनों में कॉमन लेंगे, इन तीनों में, तो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है आपके, थ्री कॉमन लेना, केवल थ्री ही कॉमन लेना, आता है तो भी नहीं लेना, थ्री ही लेना है, डिवाइड करो थ्री टाइम, यहाँ पर डिवाइड फोर टाइम, यहाँ पर वन टाइम, पीछे प्लस का वन। जो ब्रैकेट में दे रखा है उसको हमें क्या मान लेना है, एम मान लेना है, जो ब्रैकेट में है उसको हमें क्या मान लेना है, एम।
तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, 3 का 3, इसकी जगह हमें क्या लिखना है, एम प्लस वन। तो आपका स्क्वायर करने के बाद 3 का डिवाइड करेंगे, पीछे कितना बचेगा, 1 ही बचेगा, 1 बच सकता है या फिर आपके 0 भी बच सकता है, इसकी जगह 0 भी लिख सकते हो चाहो तो। और ये हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया कि किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो या तो 3 का डिवाइड पूरा पूरा जाएगा या फिर रिमाइंडर कितना बच जाएगा आपके, 1 बच जाएगा, लेकिन 0 तभी बचेगा जब यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 बच रहा है तो स्क्वायर करने पर भी 1 ही बचेगा, बट यहाँ पर 2 बच रहा है तो स्क्वायर करने पर कितना बचेगा, 1। कैसे बताऊँ आपको, सिंपल सा एग्जाम्पल देकर। जैसे 5 में अगर मैं 3 का डिवाइड करता हूँ तो पीछे रिमाइंडर क्या आता है, 2 आता है रिमाइंडर, लेकिन मैं अगर इसका वर्क कर दूंगा जो होता है 25, और फिर 3 का डिवाइड करूंगा तो 8 टाइम जाएगा और पीछे कितना बच जाएगा आपके, 1 बच जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, स्क्वायर करने के बाद रिमाइंडर कभी 2 नहीं बचता है, 1 या फिर 0 बचता है।